चीफ साहब, चीफ साहब बैठे हैं आप, चीफ साहब, चीफ साहब, ये अपने संजय जी संजय जी बेबी हकीकत सिंह जी इधर आओ, इधर आओ, नहीं मैं नहीं बैठता यार, ये नहीं बैठेंगे, मैं नहीं बैठूंगा यार, आप बैठो, कम ऑन, आप बैठो, स्टेट ऑफ भारत, हाँ बैठो, थोड़े इसको आगे करो, सुरजीत जी आगे करो, आगे करो जी थोड़ा, बैठो यार, करें शुरू, करें शुरू, हो गया, बैठो बैठो, बोल दिया, करें शुरू, छोटा दो जी सर, जी तो जी कौन सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज हम अपने गाइड फ्रेंड फिलोसोफर लीडर और जिसने हमें मार्गदर्शन किया प्रोफेसर भीम सिंह जी के हम खराज हकीकत पेश करते हैं और सभी जितने हमारी वर्किंग कमेटी है उसके मेंबर्स हैं स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं उन सभी ने आज इसमें मीटिंग में शिरकत की वो सभी आए उन्होंने अपने श्रद्धा के फूल प्रोफेसर भीम सिंह जी को अर्पित किए और इसके पश्चात फिर हमारी वर्किंग कमेटी हुई और उसमें जो एक तो सबसे पहले प्रोफेसर भीम सिंह जी को फ्लोरल ट्रिब्यूट्स दिए गए और उसके पश्चात जो हमने अपना जो कार्यक्रम है वो कैसे चलाएंगे किस तरह चलाएंगे वो हमने तय किया इसमें हमारी वर्किंग कमेटी हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटीज कश्मीर के जम्मू के और जितने भी हैं जो भीम सिंह जी के हाथों से बने हुए हैं उन लोगों ने मेरे ऊपर एतमाद जाहिर किया और जैसा कि 2 जून को मुझे इन्होंने इलेक्ट किया था एज वर्किंग प्रेसिडेंट आज उसकी कंफर्मेशन हुई और आज मैं टेक ओवर करता हूं एज वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जिसके पैटर्न जिसके चीफ जिसके गाइड प्रोफेसर भीम सिंह जी थे और आज हम लोगों ने तहिया किया है एक कमिटमेंट की है कि हम प्रोफेसर भीम सिंह जी की जो मोटो है जो उनकी स्ट्रगल रही थ्रू आउट लाइफ हक और इंसाफ की चाहे वो जम्मू का बशिंदा था या कश्मीर का था लद्दाख का था या कोई भी जो मजलूम इंसान या मर्द या औरत या बच्चा जिसके साथ बेइंसाफी हुई हो उसके लिए भीम सिंह जी ने स्ट्रगल किया सफर किया नंगे पैर चलते गए सड़कों से सुप्रीम कोर्ट तक और हमारे कायद ने उनको इंसाफ दिलाया और हम भी उसी रास्ते पर चलते रहेंगे ये ठीक है कि हम उस हाइट के नहीं हैं हम उस स्टेचर के नहीं हैं लेकिन हम अपनी मेहनत से
आगे चलेंगे और आगे हम चलते रहेंगे, लोगों की और रियासत जम्मू कश्मीर लद्दाख को इकट्ठा रखेंगे, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, हम कभी रियासत जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग नहीं होने देंगे, सेपरेट नहीं होने देंगे। भीम सिंह जी का ये कहना था कि जिस दिन जम्मू कश्मीर अलग हुआ उस दिन भारत के टुकड़े हो जाएंगे, मतलब एक बहुत बड़ी सोच थी भीम सिंह जी की कि जिस दिन हम जम्मू कश्मीर को अलग करेंगे उस दिन भारत के टुकड़े हो जाएंगे। और हमेशा याद रखो जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो हमारे दूसरे कश्मीरी भाई हैं, जो हमारे डोगरे भाई हैं, जो हमारे गुज्जर भाई हैं, जो हमारे बकरवाल हैं, जो हमारे दलित हैं, जो हर कम्युनिटी जो है, चाहे हमारे सिख भाई हैं, हमारे गदी भाई हैं, हमारे जिक्रीज हैं, अहमदियाज हैं, शियाज हैं, वो हम सारे भाई हैं, हम बहने हैं, हम एक ही कम्युनिटी है, एक ही सोसाइटी है, हम आगे चलते रहेंगे इसी मोटो को लेकर, इसी प्रोग्राम को लेकर। और हमारा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ यही है कि लोगों को इंसाफ दिलाना। और जब हम देखेंगे, जब रियासत जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का टाइम आएगा उस वक्त भी हम फैसला करेंगे हमने क्या करना है, लेकिन हम कमिटेड हैं सेकुलरिज्म को, यूनिटी को। और मुझे आशा है कि हम इलेक्शन में भी पूरी तरह से शिरकत करेंगे। स्टेट कन्वेंशन प्रोफेसर भीम सिंह जी हमारे प्रोफेसर भीम सिंह जी और जल्दी ही हम महीने डेढ़ महीने में जब ये थोड़ा गर्मी का माहौल जो है, ये जो हीट वगैरह है ये कम हो जाएगी, तो हम एक कन्वेंशन बुलाएंगे और उसमें आपने अपनी पार्टी की जो है रेखा रूपरेखा जो है तय करेंगे और आगे चलेंगे। हम इकट्ठे हैं, एक हैं, और हम रियासत जम्मू कश्मीर को तरक्की के राह पर लेने के लिए हम आगे ही आगे चलते रहेंगे। जय हिंद, जय भीम सिंह।